भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने ग्वालियर प्रवास के दौरान विमानतल पर मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि देश की जनता पिछले दो चुनाव में राहुल गांधी को नाकार चुकी है। 2023 व 2024 में होने वाले चुनाव में राहुल गांधी से देश को कोई उम्मीद नहीं है। यही कारण है कि लोग अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेते हैं। उमा भारती द्वारा ज्योतिरादित्य सिंधिया को हीरा बताने के बयान पर कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि मुझे नहीं पता उन्होंने किस संदर्भ में यह कहा है, लेकिन मैं भी मानता हूं कि सिंधिया एक अच्छे नेता हैं। विजयवर्गीय ग्वालियर में एक निजी कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए आए थे। इस दौरान उन्होंने मीडिया कर्मियों के लिए भी समय निकाला और बात की। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर टिप्पणी करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि देश की जनता राहुल गांधी को अब गंभीरता से नहीं लेती है। वे मनोरंजन करने के लिए ठीक है, इसलिए भारत जोड़ो यात्रा का कोई प्रभाव नहीं है। गुजरात चुनाव पर भी इसका कोई असर नहीं है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि हिमाचल और गुजरात के विधानसभा में कांग्रेस की हालत दयनीय है। कांग्रेस लगातार सिकुड़ रही है, जिसका हमें भी दुख है, क्योंकि यह पार्टी स्वतंत्रता संग्राम में प्रमुख भूमिका निभाने का दावा करती है। पिछले विधानसभा चुनाव में हमारी सरकार बनती क्योंकि वोट हमें कांग्रेस से ज्यादा मिले थे। वो तो शिवराज सिंह चौहान ने इस्तीफा देने में जल्दी कर दी थी, इसलिए कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल गया। भारत जोड़ो यात्रा से आप कैसे देखते हैं उस यात्रा को? वो तो बड़ा अलग है, बॉल खेलते हुए नजर आते हैं, बच्चों को उनके साथ में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। राहुल गांधी मनोरंजन के लिए, राहुल गांधी बहुत अच्छे हैं, रास्ते पर अच्छा मनोरंजन कर रहे हैं, पर देश के लिए कैसे ही है? देश की जनता दो चुनाव में उनको बता चुकी है, आने वाले दो विधानसभा चुनाव में भी बता देंगे। सर आने वाले स्टेट में, अलग अलग स्टेट में इलेक्शन है, गुजरात में भी है, लेकिन जिस तरह से जो दूसरी पार्टी है, विपक्षी पार्टी, वो कह रही है इस बार तो नहीं कि वो सरकार है। देखिए कांग्रेस दोनों राज्यों में बहुत मुश्किल है, दोनों बहुत संकट में है, दोनों राज्यों में, गुजरात में भी और हिमाचल प्रदेश में भी। धीरे धीरे कांग्रेस और सिकुड़ती जा रही है। हमें दुख है, कांग्रेस तरह की पार्टी जो ये दावा करती है कि इस देश को स्वतंत्रता हमने दिलाई है, वो पार्टी अपना अस्तित्व खो रही है। मुझे नहीं लगता कि कोई राहुल जी के आने से कांग्रेस में कोई बहुत परिवर्तन हो जाएगा या कुछ उनकी पदयात्रा से कुछ होगा, क्योंकि लोग राहुल जी को अब कुछ सीरियस नहीं लेता। सर उमा जी सिंधिया जी की तारीफ करती हैं, वो कहती हैं हीरा हमारे पास आ गया है, आप कैसे देखते हैं? पहले क्या कोयला था क्या बीजेपी कांग्रेस? नहीं ऐसा नहीं है, अब उन्होंने किस संदर्भ में कहा मुझे नहीं पता, पर अच्छे नेता हैं सिंधिया जी, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन बीजेपी में गुटबाजी इतनी आई है कि 2023 का चुनाव कैसे होगा? कहा जा रहा है कि विंध्य में और चंबल में तो कांग्रेस बहुत मजबूत हो गई। देखिए ऐसा है कि इस प्रकार का प्रश्न आपको याद हो तो पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने मुझसे कहा था, पर मैंने कहा था कि सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बन जाती, बनी गई थी। वोट हमारे भाई वोट ज़्यादा हमको मिले और शिवराज जी ने जल्दबाजी कर दी, शिवराज जी ने जल्दबाजी करी तो सरकार तो हमारी बनती। शिवराज जी डेढ़ साल कैसी जल्दबाजी? जल्दी जल्दी उन्हें इस्तीफा दे दिया। अच्छा अच्छा।